कल्चरल साइकोलॉजी द टॉपिक हुई स्टार्टिंग ना हो इज परसनैलिटी पर्सनैलिटी वेस्टर्न कन्फ्यूजन कन्फ्यूशन एंड बुधिस्ट परस्पेक्टिव अब परसनैलिटी को लफज हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एक जो क्वेश्चन हम सबसे ज़्यादा पूछते हैं ना इंसानों के बारे में या इंसान एक दूसरे के बारे में कि आखिर वॉट मेक्स पीपल टेक यानी लोग जो हैं इस तरह के कैसे होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो अट्रैक्टिव हो वो फिट इन हो वो हर जगह उनकी पर्सनैलिटी सक्सेसफुल हो और उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे दूसरों को ये कैसे बनता है आप कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी बनाते हैं जो इकट्ठे होके जिनकी वजह से पर्सनैलिटी बनती है और क्या पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है ये तीन सवाल चाइल्ड साइकोलॉजी के एबनॉर्मल साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के सोशल साइकोलॉजी के और और बहुत सी ब्रांचेस जो हैं साइकोलॉजी के इवन फ़िलासफ़ी के इवन एजुकेशन के अहम तरीन सवाल हैं कि पर्सनैलिटी बनती कैसे है क्या वो बदल सकती है और कौन ऐसी पर्सनैलिटी कैसे बनती है जो बड़ी अच्छी हो जिसको लोग कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है सो so, ये जो क्वेश्चन है ये सालों से सदियों से पूछे जाते रहे और फ़िलासफ़र भी दीन का इल्म जानने वाले भी स्टोरी टेलर्स भी हमेशा पर्सनैलिटी की स्टोरी सुना रहे होते हैं उसके साथ ये हुआ तो वैसा हो गया एपिक स्टोरी टेलिंग होती है जो तारीखी कहानी है सैमसन एंड डेलाइला है जैसे या रस्तमर सहराब है या और उम्र यार की स्टोरी हो गई जो पुरानी दास्तान अमीर हमज़ा हो गई अली फलैला की स्टोरीज़ हो गई वो तो जो पुरानी स्टोरीज़ हैं उनमें शख्सियत दिखाई जाती थी और फिर ये स्टोरी में यह बताया जाता था कि ये इसलिए इस तरह का हो गया यह इंसान इसकी शख्सियत इस वजह से ऐसी बन गई तो जब यह सवाल सदियों से पैदा होते इंसान के चल रहे पहला सवाल तो आया ये कि अभी तो दुनिया में आए वक्त ही नहीं गुजरा शख्सियत बनना क्या है लोग ही दुनिया में तीन है ठीक है चार हजरत आदम के एक बेटे ने दूसरे को अटैक किया ठीक है और ये ये तारीख़ इंसानी का पहला कत्ल था सवाल क्या उसकी पर्सनैलिटी एग्रेसिव थी या हालात इस तरह थे उसने कहाँ से सीखा ये उसके अंदर से आया तो पर्सनैलिटी में यही दोनों सवाल होते हैं बाहर से बनती है या होती है ऐसे अंदर से उसको तो जन्नत से आए ज़्यादा देर उस कपल को नहीं गुजरा जिनका ये पहली औलाद है तो, तो दे आर वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन अबाउट पर्सनैलिटी जो साइकोलॉजिस्ट भी पूछते हैं और बाकी लोग भी पूछते हैं ये बहुत ही हमारी गैर दानिशमंदी और शॉर्ट साइटेडनेस होगी अगर हम ये समझें कि जो वेस्टर्न अप्रोचेज़ हैं पर्सनैलिटी की वो ही हतमी है वो फाइनल है जी और ये जो क्वेश्चन ऊपर वाले हमने पूछे हैं इनको समझने के लिए हमें सिर्फ वेस्टर्न ही थेरीज जवाब दे सकती हैं ये तो खैर बहुत ही अहमकाना बात होगी अगर हम ये सोचें इसीलिए क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी की थेरीज़ का कंपेरिजन हम देखना चाहेंगे पर्सनैलिटी होती क्या है पर्सनैलिटी इज़ अ टोटैलिटी ऑफ योर सेल्फ एंड बिहेवियर जितना कुछ आप अंदर से हैं और जितना कुछ आपका एक्शन और बिहेवियर है वो सब आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है अब वो हिस्सा जो है उसको हम समझते कैसे हैं ये मैं आगे चल के आपको इसके मॉडल भी बताऊंगी पर्सनैलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हर थेरी का काम है कि वो उसके बेसिक एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करे फिर ये बताए कि पर्सनैलिटी डिवेलप कैसे होती है ये वाले आइडियाज़ प्रजेंट करें दैन एवरी थेरी ऑफर एक्सप्लेनेशन फ़ॉर वाई पीपल सफ़र लोगों पर तकलीफ़ें क्यों गुजरती हैं वो बीमार क्यों होते हैं ज़हनी तौर पर या जिसमानी तौर पर फिर वो सजेस्ट करते हैं कि हम इस तकलीफ को दूर कैसे कर सकते हैं और उसके बाद एक मॉडल पेश करती है हर थेरी मेचोर और मैंटली हेल्दी पर्सन का अब ये जो मैंने ऊपर के बताया ना वेस्टर्न सारी थेरीज पर्सनैलिटी की इस पर पूरी नहीं उतरती वो ये नहीं बताती कि इंसान तकलीफ़ में क्यों रहता है दुनिया में आया है तकलीफ़ के बारे में रिलीजन बताते हैं इसलिए हम आपको दो ईस्टर्न फसफ़ीज़ पर्सनालिटी की बताएंगे और इसी में हम आगे चल के आपको जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है पर्सनैलिटी का इमाम गज़ाली का वो भी करेंगे तो अब ईस्टर्न जो है वो बताते हैं कि इंसान क्यों दुख में है इंसान दुखी क्यों है भाई और इस दुख को वो कम कैसे कर सकता है और फिर वो एक मेच्योर और हेल्दी मेंटली मेच्योर इंसान हेल्दी पर्सनलिटी वाला कैसे बन सकता है आइए ज़रा ये अहम सवाल कि क्या ये जो ईस्टर्न थिंकिंग है पर्सनैलिटी के बारे में उसको कोई भी अडॉप्ट कर सकता है जो उस कल्चर का ना भी हो वी विल आंसर दैट क्वेश्चन इन द एंड फर्स्ट लुक एट द वेस्टर्न मैंने ज़्यादा जगह दी है साइको अनिलिटिक थेरी को क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा सबसे पहले पढ़ाई जाती है उसने बेसिकली ये ज्यूम किया कि unconscious forces है कि अनकॉन्शस फोर्सेस होती हैं जिनका हमें एहसास नहीं होता जो हमें आ, हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं होती हमारे जो इंस्टिंक्ट हैं दो हैं एक एरोस है जिसका ताल्लुक ज़िंदगी से है और एक थेनाटॉस है जिसका ताल्लुक मौत से तो ये दो ही होते हैं एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, है और इन्हीं के ज़रिए हमारा सारा बिहेवियर डिटरमिन होता है वो अनकॉन्शियसली डिटरमिन होता है हमारे अंदर तीन फोर्सेस होती हैं इर्ड जो कि फिजियोलॉजिकल है वो एक घोड़े की तरह ईगो जो है वो उसका सवार है जो घोड़े को काबू में रखता है और सुपर ईगो एक ज़्यादा मेच्योर और डेवलप्ड पार्ट है हमारे सेल्फ का जो माशरे के तकाज़े माँ बाप के दिए हुए वैल्यूज़ इनको देख के वो अपने बिहेवियर को रेगुलेट करता है और अपने इर्ड को और अपनी ईगो को काबू में रखता है अच्छा अब ये काफ़ी लंबी चौड़ी थेरी है साइकोलॉजी में किसी और पोर्शन में आप लोग पढ़ चुके होंगे अब अच्छी हेल्दी पर्सनैलिटी वो ये कहते हैं कि जब ये बैलेंस हो इड ईगो और सुपर ईगो में और हमारा अनकॉन्शियस जो कुछ कर रहा है उसके साथ हम किस तरह कोप कर रहे हैं डिफेंस मेकनिज़म्स क्या कर रहे हैं तो ये ये जो डिमांड्स हैं अंदर अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो चलता है कि खाहिश कुछ और कहती है और ज़मीर कुछ और कहता है तो ये जो कन्फ्लिक्ट ये इंसान को मेंटली हेल्दी भी रख सकता है और अनहेल्दी भी डिपेंडिंग कि आपने वो बैलेंस कर लिया है अपनी फोर्सेस को ये साइको एनालिसिस का था फिर वो बचपन में बहुत स्ट्रेस करता है कि पर्सनैलिटी तो जी बचपन में बन जाती है उम्र के पहले एक दो सालों अच्छा ये कुछ बातें फ्रॉय की बहुत वैलिड है ये बात दुरुस्त है कि बच्चे की पर्सनैलिटी नज़र भी आना शुरू हो जाती है कंप्लीट भी हो जाती है और वो वही वाले पैटर्नस आपको बाद में मिलते हैं लेकिन क्या शख्सियत में कोई बड़ी तब्दीली आती है जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहते हैं इसमें मुख्तलिफ प्रस्पेक्टिव हैं जो कि बाद में आए फ्राइड के लेकिन वो बहुत रियल है इसमें जो बिहेवियल पर्सपेक्टिव है वो वो भी फ्राइड के बाद ही आया उसने कहा सब कुछ बिहेवियर है अंदर कुछ की चीज़ों को तो हम जान नहीं सकते तो जो कोई कुछ कर रहा है वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करना जो है वो ही असल में आ, साइकोलॉजी का असल एंगल होना चाहिए तो ओनली स्टडी बिहेवियर दैट टेल्स यू वॉट द पर्सन इज डूइंग नॉट वॉट इज गोइंग ऑन इन साइड एंड हाउ हिज माइंड इज वर्किंग एंड ऑल फिर कॉग्नेटिव परस्पेक्टिव है कि जो कुछ इंसान सोचता है वो भी स्टडी करना चाहिए उसको भी पर्सनैलिटी को समझने के लिए अहम बात फिर ह्यूमनिस्टी की एक्जिस्टेंशियल मिला जुला जो परस्पेक्टिव है इंसान अपनी किस्मत का खुद मालिक है इंसान खुद को वो बना सकता है जो वो चाहे इंसान की जो एक्सपीरियंस है अपने अंदर का उसके ऊपर उसका कंट्रोल है और वो जो अपने लिए अच्छा चाहे तो अच्छा कर सकता है यानी कि जो बचपन में बुरा हो गया तो वो वो हो ही गया अब वो हमेशा के लिए ही कोई विलन बन जाएगा किसी पंजाबी मूवी का नहीं चॉइस है उसके पास अपने लिए एक चॉइस है वो एजेंट है चेंज का और वो खुद अपने लिए चूज़ भी कर सकता है और ख़ुद को बदल भी सकता है और एक कॉन्शस uh, चॉइस कर सकता है और एग्जिस्टेंशियल तो होता ही है ना कि मैं कौन हूँ मैं अपने बारे में सोचूँ और मैं उसके ऊपर तोज्जो दूँ और फिर उसको अपने लिए चूज़ करूँ कि मैंने क्या बनना है सो so, ये वेस्टर्न परस्पेक्टिव है इसको साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा एबॉर्मल में सोशल बिहेवियर में रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है अब देखते हैं कि कन्फ्यूजन एंड बुद्धिस्ट क्या है कन्फ्यूश जो है वो एक बहुत बड़ा थिंकर और कुछ हद तक वो कहती हैं कि वो ईस्टर्न पार्ट यानी चाइना का एक नियरली सेंट या पैगम्बर के तौर पर समझा जाता था उसकी जो परस्पेक्टिव है वो काफ़ी रिश्तों में जुड़ा हुआ है अगर हम कहेंगे ना कि मैं एक टीचर हूँ मैं एक खातून हूँ मेरे चार बच्चे हैं या मेरा एक पोता है और मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ अच्छा जब कन्फ्यूशियस इंसान अपनी पर्सनैलिटी को इस परस्पेक्टिव से करेगा तो वो कहेगा कि मैं एक इंसान हूँ और मैं मेरे वालदेन हैं और मेरे स्टूडेंट हैं वो रिश्तों के हिसाब से खुद को डिफ़ाइन करता है तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कन्फ्यूजन परस्पेक्टिव है वो ये कहता है कि आप एक बेहतरीन काबिल मिसाल मिसाली एक्सेप्शनल ह्यूमन बींग बनते हैं जब आप अपने इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर अपने आप को डिफाइन करते हैं पर्सनैलिटी बनती है एक्सटेंडेड फैमिलीज़ आपकी इन्वायरमेंट आपका दीन का सर्कल ये कन्फ्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बेडेड है इंडिविजुअल की बजाय इस पूरे नेटवर्क में जो बुद्धिज़्मी थेरी है उसके अंदर ना एट फोल्ड पाथ है और उनके कुछ एट गोल्डन ट्रूथ्स हैं जिनका यहाँ मौका नहीं है लेकिन उसकी रीडिंग जो है वो बुक में प्रोवाइडेड है जो बुक मैंने रिकमेंड की है वो ये कहते हैं कि जो डेवलपिंग पर्सन है वो साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी की तरफ चलता है उसकी कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं मेच्योर बिहेवियर की और जो उसके आखिरी तीन असूल है ना ये एट फोल्ड के वो हैं ऐसी टेक्निक्स जिनके ज़रिए आप अपनी शख्सियत को अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को बेहतर कर सकते वेस्टर्न में ऐसी कोई चीज़ नहीं है बेल जो कि चाइनीज़ नहीं है लेकिन उसने चाइना में बहुत वक्त उतारा वो इस सवाल के ऊपर बड़ा बात करता है जो मैंने शुरू में पूछा था कि क्या हम किसी और कल्चर या रिलीजन में जो पर्सनैलिटी की थिंक के बारे में अप्रोच है क्या हम वो थिंकिंग बंद कर सकते हैं वेस्टर्न से हट के ईस्टर्न या ईस्टर्न से हट के वेस्टर्न हुआ ये कि साइकोलॉजी जब हमने पढ़ाई है ना तो हमने फ्रॉइडियन थिंकिंग भी साथ ले आए हमने बिहेवियल पढ़ाया है तो हम बिहेवियल थिंकिंग भी ले आए लेकिन हमारी अपनी क्या है तो आज तो बुद्धिज़म और कन्फ्यूश की बात कर रहे हैं आगे चल के हमारे सब कॉन्टिनेंट में पर्सनैलिटी के बारे में क्या थिंकिंग थी हमारे मुस्लिम फकरा की और हमारे मुस्लिम फिलासफर्स की तो बेल ये कहता है कि मैंने चाइना में रहने की वजह से कन्फ्यूशस ट्रेडिशन जो है कन्फ्यूशियन ट्रेडिशन जो है उससे अपने जहन को बदला और उस तरह बिहेव किया और मेरी पर्सनालिटी पे असर हुआ उस कल्चर की थिंकिंग को समझने का और ये बहुत से नॉन मुस्लिम के साथ भी हुआ है मसल मैंने आपको एक जगह न्यू एंट्रेंस टू तो इस्लाम में आ, शेख याहिया की एग्जांपल दी थी जिनका नाम प्रथ जोफ चुआ था रैन गैनो था जो एक जर्मन थे और वो फिर मुसल वहाँ से वो फ्रांस से गए जर्मनी से गए ये लोग और ये मुस्लिम कल्चर मेरे इजिप्ट में सारी उम्र गुजारी तो उन्होंने इस्लाम की जो पर्सनैलिटी थी उसको पूरी तरह अपने थिंकिंग में कर लिया कि अच्छा होना क्या होता है इस्लाम के हिसाब से अब मिशेल ऑन जो है वो बुद्धिस्ट नहीं है लेकिन उसने कहा कि मैंने बुद्धिस्ट प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा सीखा और अपनी शख्सियत की मेरी जो अब शक्ल बन गई है उस पर बुद्धिज़म का बहुत असर है तो इनशाला हम इसके ऊपर जब चलेंगे आगे तो जो पर्सनैलिटी थेरी इस्लाम की है और क्या जो लोग इस्लामिक कल्चर में रहते हैं क्या उनकी पर्सनैलिटीज़ इस्लाम की थेरी के मुताबिक बन जाती हैं दिस विल बी अ गुड क्वेश्चन टू एक्सप्लोर फर्दर